ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा मथुरा में चल रही है और पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने इस कथा को बहुत ही अच्छा नाम दिया है, जो कि मथुरा के ऊपर ही पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने इस कथा को नाम दिया है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कथा को नाम दिया है श्री गोपेश्वर गोपी सीमा पुराण कथा, और यह कथा 3 नवम्बर से 9 नवम्बर तक चलेगी, जो कि आज 3 नवंबर है। तो आज से यह कथा आरंभ हो चुकी है और पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने इस कथा में बहुत ही अचूक उपाय बताए हैं, जो कि कार्तिक महीने से संबंधित है। यहाँ हम सब जानते हैं कि कार्तिक महीना बहुत ही पावन महीना होता है और इस महीने में सबसे अधिक दान पुण्य किया जाता है और त्योहार की श्रृंखला भी इसी महीने में सबसे अधिक आती है। तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बहुत ही अचूक उपाय बताए हैं, जो कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने इस कथा में कहा है कि इस महीने में त्योहार भी बहुत अधिक आते हैं, तो आप ये उपाय त्योहारों के दिन भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में बीमारियां भी दूर हो जाएगी। और पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आज की कथा में, जो कि आज से कथा स्टार्ट हुई है, इस कथा में 2 अचूक चमत्कारी उपाय बताए हैं, जो कि कार्तिक महीने में ही आपको करने हैं। और पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा है कि अगर आपके घर कोई रोगी है और उसका रोग दूर नहीं हो रहा है, तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने इसके लिए भी 1 अचूक उपाय बताया है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा है कि इस उपाय को करने मात्र से 2 या 3 दिन में आपको फर्क दिख जाएगा और जो भी रोगी इंसान है उसका रोग दूर हो जाएगा। और पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक और विशेष उपाय बताया है पैसों को लेकर। जिनके घर में पैसों की समस्या होती है, मतलब उनके घर में पैसे नहीं आ रहे हैं, किसी भी कारण से उनको लगता है कि उनके घर में पैसों की रुकावट आ रही है, गरीबी आ रही है, अनिद्रता आ रही है, दरिद्रता छा रही है उनके घर पे, पैसा मतलब बिल्कुल कहीं से भी आ ही नहीं रहा है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत उपाय करके देख लिए हैं, तो भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने इसके लिए भी एक विशेष छोटा सा उपाय बताया है। और उन्होंने कहा है कि कार्तिक महीना साल में एक बार आता है, तो आपको यह उपाय जरूर कर लेना है और आपको एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना है, क्योंकि जो शिवजी पे विश्वास करता है तो उनका जो भी उपाय होता है वो सफल हो जाता है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बहुत ही अचूक सरल उपाय बताए हैं, जो कि हम इस वीडियो में आगे जानेंगे और आपको वीडियो पूरी आखिरी तक देखनी है, ताकि आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा का बताया हुआ उपाय बहुत अच्छे से समझ आ जाए और आप अपनी समस्या को दूर कर सके या उपाय करके, और आपको उपाय करने में भी कोई दिक्कत नहीं आए, तो आपको यह वीडियो एंड तक देखनी है। तो अब हम जान लेते हैं कि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कौन सा उपाय बताया है। हम पहले जानेंगे पैसों को लेकर, जो उपाय है धन को लेकर, पैसों की रुकावट आ रही है उसके लिए कौन सा उपाय है, हम पहले यहाँ इस वीडियो में जान लेते हैं। अब हम जान लेते हैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कौन सा उपाय बताया है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि अगर आपको पैसों की दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना है, शाम के समय अपने घर में आपको एक दिया ले लेना है, जो दिया नया होना चाहिए, जला हुआ नहीं होना चाहिए, नया पक्का दिया होना चाहिए, मिट्टी का कोरा दिया, उस दिया को ले लेना है। उसमें आपको डाल लेना है थोड़ा सा तेल, तेल डालने के बाद आपको उसमें लंबी बत्ती लगानी है, लंबी बत्ती प्रज्वलित करनी है, लंबी बत्ती लगाने के बाद आपको उसमें एक कमलगट्टा डाल देना है, जो कि कमलगट्टा आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा, आप कहीं से भी कमलगट्टे को खरीद सकते हैं। आपको एक कमलगट्टा ले लेना है और उसमें डाल देना है, दिए में कमलगट्टे को डाल देना है, और जो भी आपका घर का मेन गेट हो, गैलरी हो, छत हो, जहां भी आपकी इच्छा हो वहां आप इस दिए को ले जाकर अपनी दहलीज पर लगा दीजिए और कमलगट्टे को उसमें रहने दीजिए। अब दिया लगाने के बाद आपको अपने पूर्वजों का नाम ले लेना है, जो भी आपके पूर्वज है उनका नाम आपको ये दिया लगाते समय ले लेना है और अपना गोत्र भी
साथ में बोल देना है ताकि आपके घर में जो भी पैसे की कमी आ रही है वह दूर हो जाएगी। क्योंकि पूर्वज भी बहुत बड़े देवता होते हैं और उनकी कृपा होना घर में बहुत आवश्यक है। तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि यह बहुत ही छोटा सा उपाय है और आप यह उपाय कार्तिक महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं जब आपकी इच्छा हो, और अगर आप चाहें तो यह उपाय पूरे कार्तिक के महीने में भी कर सकते हैं। पूरे कार्तिक के महीने में कैसे करना है, आप रोज एक दिया बेलीज में लगा सकते हैं कमल गट्टे के साथ, और अगर आप रोज नहीं कर सकते तो किसी भी एक दिन किसी भी तिथि को आप यह दिया बेलीज में लगा दीजिए और उसमें कमल गट्टा अवश्य डालिए, क्योंकि कमल गट्टा शिव जी को अति प्रिय होता है। इसीलिए आपका जो भी पैसे की रुकावट से संबंधित कारण आ रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसों में जो भी रुकावटें आ रही है वो सब दूर हो जाएगी और आपके घर आमदनी बढ़ने लगेगी, अपने आप पैसा आने लगेगा, जो भी रुकावटें आ रही है वो सब दूर हो जाएगी। अब हम जान लेते हैं कि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने दूसरा उपाय कौन सा बताया है, जो कि उपाय है रोग को दूर करने का। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि अगर आपके घर किसी को भी रोग हो रहा है और रोगी इंसान को आपने बहुत इलाज करा लिया तो भी उसकी समस्या हल नहीं हो रही है और उसे एक रोग खत्म होता है और दूसरा रोग शुरू हो जाता है। जैसे कोई सा भी रोग हो, आप थोड़े दिन इलाज कराते हैं वो सही होता है और फिर दूसरा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको यह छोटा सा उपाय कर लेना है। अब यह उपाय आपको कैसे करना है, यह उपाय आपको रात्रि के समय 9:15 पे कर लेना है, 9:15 आपको यह उपाय करना है। और आप यह उपाय घर पर भी कर सकते हैं और मंदिर पर भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको एक तांबे का कलश ले लेना है। तांबे के कलश में आपको डाल लेना है थोड़ा सा आंवला। अगर आपको आंवला नहीं मिलता है तो आपको आंवले की पत्तियां डाल लेनी है, और अब ठंड जो कि चालू हो गई है तो आपको आंवला कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगा। आंवला नहीं मिलता है तो पत्ती से भी काम चल जाएगा। आपको उस लोटे में आंवला या फिर जो भी आपके पास हो आंवले की पत्ती वो डाल लेनी है। और अगर आप घर पे उपाय करते हैं तो आपको जो शिवलिंग है उसको एक थाली में रख लेना है, एक साफ थाली में रख लेना है, और जो आपने जल लिया है तांबे के पात्र में वो आंवले वाला, उससे शिव जी का अभिषेक कर देना है। शिव जी की सामने 2 अगरबत्ती लगा देनी है, पूजा अर्चना कर देनी है सच्चे मन से, और उसके बाद उसमें से थोड़ा सा जल बचाकर आपको जो भी रोगी व्यक्ति है उसको पिला देना है। और जब आप जल चढ़ाएं शिवलिंग के ऊपर तो आपको रोगी व्यक्ति का नाम अवश्य लेना है। और अगर आप यह उपाय मंदिर में करते हैं तो आपको क्या करना है, यह उपाय मंदिर में करने के लिए आपको वो जो तांबे का पात्र है वो अपने साथ मंदिर ले जाना है, और उस तांबे के पात्र के जल से और आंवले वाले जल से आपको शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। शिवलिंग का अभिषेक करते समय उस रोगी व्यक्ति का नाम ले लेना है और थोड़ा सा जल घर बचाकर ले आना है, और जो भी रोगी व्यक्ति है उसको पिला देना है। और आपको 1-2 दिन ऐसा लगातार करना है, और आप कार्तिक महीने में यह उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, और तीसरे दिन आपको उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और उस रोगी व्यक्ति को कैसा भी रोग हो वह रोग समाप्त होने लगेगा, धीरे धीरे वह रोगी व्यक्ति स्वस्थ होने लगेगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा का यह उपाय अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।